एवरीवन, वेलकम टू टेक वीक। मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज करते हैं बिना आपकी परमिशन के। आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप बीटअप होता है बहुत ज्यादा। देखते रहिए ये वीडियो। ओके, तो आप यहाँ पर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। यहाँ पर 54% है, 51% है नॉर्मली जब मैं गूगल ओपन किया हुआ है मैंने। अब मैं यहाँ पर आपको ले जाने वाला हूँ पायरेट्स बे की साइट पे। तो यहाँ पर जैसे हम पायरेट्स बे की साइट पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। ये थोड़ी देर के लिए बढ़ता है क्योंकि जब हम किसी भी साइट पर विजिट करते हैं ये थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, बट कंटिन्यूअसली ये जब हम पायरेट्स बे को विजिट करेंगे कंटिन्यूअसली ये हाई रहेगा सीपीयू यूटिलाइजेशन। अभी देखिए अब नॉर्मल आ चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं पायरेट्स बे पे आता हूँ देखिए ये कंटिन्यूअसली ये बढ़ रहा है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ उबंटू। अब देखिए यहाँ पर 97%, 94%, 84%, 80 से 90 के बीच में ये बना रहेगा कंटिन्यूअसली। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर रुक के कि ये देखिए 80 से 90 के बीच में कंटिन्यूअसली बना रहेगा। मतलब आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है पायरेट्स बे के आप साइट पे आ रहे हैं, जैसे ही आप पायरेट्स बे की साइट पे आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन होता ही जा रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ा हुआ है अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी। बट अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही हम इस साइट से एग्जिट करेंगे। इस साइट से मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया है। अब देखिए धीरे धीरे हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन वापस नॉर्मल हो जाएगा। देखिए 60% पे वापस आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एक एक्सटेंशन जिसकी हेल्प से आप ये रोक सकते हैं पायरेट्स बे के कोड को आप रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको एक्सटेंशन को पूरा दिखाता हूँ किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, बट आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा। एक्सटेंशन का नाम है नो कॉइन। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको नो कॉइन मिल जाएगा तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर लीजिएगा और यहाँ पर फाइनली आपको साइड में ये वाला जो साइन है वो दिख जाएगा। इसका मतलब है नो कॉइन आपके क्रोम में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको फिर से वही प्रोसेस करके दिखाता हूँ। हम फिर से पायरेट्स बे विजिट करेंगे और वहाँ पर रुकेंगे थोड़ा देर और फिर देखेंगे कि कितना हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन है। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर आप सोच रहे होंगे 96% एकदम से हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए सीपीयू यूटिलाइजेशन हाइक होगा क्योंकि आप सीपीयू को यूज कर रहे हैं तो वो हाइक होगा ही। अब यहाँ पर हम आइडल थे तो 50 के बीच में आ गया था, जैसे ही हम आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर मैं फिर से उबंटू सर्च करता हूँ और यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर, देखेंगे कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या रहा इस बार। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे और सीपीयू यूटिलाइजेशन पर नजर डालेंगे। अब यहाँ पर आप साइट पे देखेंगे जो हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था वहां पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क आ गया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कॉइन माइनर हैज बीन डिटेक्टेड ऑन दिस पेज। इसका मतलब है यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग हो रही है इस एक्सटेंशन से हमें पता चल चुका है। और यहाँ पर अब आप सीपीयू यूटिलाइजेशन को देखेंगे तो यहाँ पर 55-53% यहाँ पर दिखा रहा है, 50 से ऊपर बहुत ही मुश्किल से जा रहा है। बट लास्ट टाइम जब हम आए थे बिना किसी एक्सटेंशन के तो ये सीपीयू यूटिलाइजेशन 80 से 90 के बीच में यहाँ पर चल रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पायरेट्स बे किस तरीके से आपका जो सीपीयू है उसे यूज कर रहा है। और इससे क्या होगा, ज्यादा सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा तो आपका लैपटॉप फालतू ही हीटअप होगा और इस कारण यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लैपटॉप को प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो कोड, वो एरिया इनकी वेबसाइट में जिसपे ये कोड एम्बेडेड है। कॉइन हाइव यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे आप यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करेंगे तो यहाँ पर इसका पेज सोर्स आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो सेक्शन, ये देखिए कॉइन हाइव जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है। ये यहाँ पर ये जो कोड है इसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही आप आते थे पायरेट्स बे की साइट पे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर बिटकॉइन माइन होता था और बिटकॉइन माइनिंग के साथ साथ आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ चुका था। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन है नो कॉइन उसकी हेल्प से अब कोई भी वेबसाइट है, पायरेट्स बे ही नहीं, जो भी वेबसाइट है जो चुपके से आपका सीपीयू रिसोर्सेज यूज कर रही है या फिर करती है वो ब्लॉक हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंशन।
तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। बट मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि पायरेट्स बे को यूज़ करें इलीगल चीज़ों के लिए। आप पायरेट्स बे को यूज़ ना करें। यहाँ पर जैसे उबंटू है, ये एक ओपन सोर्स है, तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल लीगल है। अगर आप विजिट कर रहे हैं पायरेट्स बे और यहाँ पर जो भी साइट्स हैं अगर वो एम्बेड करती हैं इस तरह के कोड को जिससे बिटकॉइन माइनिंग होती है और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वो लोग अपने पैसे कमा रहे हैं इसके थ्रू, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं इन कोड्स को इस एक्सटेंशन के थ्रू। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, सो दैट उन्हें भी पता लगे कि उनके रिसोर्सेज को कौन यूज कर रहा है और वो अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज को बचा सके। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और अगर आपको इस तरह के और भी वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब आइकन के पास बने उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपसे कभी मिस ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।